आज हम देखेंगे कक्षा 12 इतिहास का जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट को हम देखेंगे, क्योंकि विद्यार्थी बार बार इसकी मांग कर रहे थे कि ब्लूप्रिंट हमें उपलब्ध करवाया जाए। तो ये वो ब्लूप्रिंट है आपका, इसके आधार से आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप समय इसको देख सकते हो और इसको मैं स्किप करता जाऊंगा, और इसके अंदर आप देखते जाइए कहाँ से क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा और जो भी चीज़ें, उनकी भी पुनरावृत्ति आपको होती रहेगी। जैसे कोई नई चीज़ें अपलोड होगी, उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा, और काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जा कर के देख लीजिए और अपना कार्य सुचारू रूप से करिए, और अध्ययन की गति निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली की छुट्टियां काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे ज्ञान का 24 नंबर के आएंगे, ज्ञान से संबंधित प्रश्न, अवबोध से संबंधित 32 नंबर के आएंगे, ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति से संबंधित 18 अंक के आएंगे, और कौशल और मौलिकता से संबंधित 6 नंबर के, यानी वही जो मानचित्र वाले। इस तरीके से कुल आपके 80 नंबर का ये पेपर्स होगा, जो परसेंटेज भी सामने दिए गए हैं। अब प्रश्नों के प्रकार और उनके अंक बार भी देख लो, यानी आपके जो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, जबकि अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आपके आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इनको 10 मिनट के अंदर हल करना है, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन होते हैं। इनको 10 मिनट का समय दिया, लेकिन आपको जितना जल्दी हो सके इन्हें हल करना है। फिर लघु उत्तरात्मक प्रथम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन में 8 से 8 आएंगे, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, कुल 16 अंक के। इनको 36 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन करना है, जबकि लघु उत्तरात्मक सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये 9 आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, कुल 36 अंक के होंगे, और इन्हें हल करने के लिए 54 मिनट के अंदर हल करना पड़ेगा आपको। निबंधात्मक 3 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन 6 अंक का होगा, और कुल इस प्रकार 18 अंक होंगे इन 76 मिनट में। यानी इनमें से एक तो वो मानचित्र का होगा, और बाकी 2 अन्य जो क्वेश्चन आपको जो लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये इसका पैटर्न रहेगा, और इस प्रकार आपको 170 मिनट मिलेंगे, और 170 मिनट में आपको ये हल करना है। अब ये इसके अलावा आपको पुनरावलोकन के लिए 10 मिनट और प्रश्न पत्र पढ़ने के 15 मिनट, इस तरीके से आपका समय बांट दिया गया है। और यहाँ पर आपके जो अध्याय वाइज भी आपका इसका डिवाइडेशन किया गया, जैसे अंक भार आपका दिया गया है, जैसे अध्याय 1 भारत का महत्वपूर्ण अतीत, 2 है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ के 15 नंबर हैं, वहाँ आक्रमण और आत्मसातीकरण के 10 अंक हैं, मुगल आक्रमण और प्रभाव के 10 अंक, उपनिवेशवादी आक्रमण के भी 10 अंक, और आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, इसके 15 अंक हैं, और भारत ये राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, इनके 10 अंक है, और 6 नंबर का जो मानचित्र आपके आएगा, ये अध्याय 1, 2 और 6 से आएगा। अध्याय 1, 2 और 6 से मानचित्र, अध्याय 1 से 1 नंबर का, अध्याय 2 से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मानचित्र के, और अध्याय जो 6 है उसमें 3 नंबर के मानचित्र के आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब आगे देखेंगे इसका जो और भी ब्लूप्रिंट यहाँ दिया गया, इसको आप देख लीजिए, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आप इसका अध्ययन कर लीजिए स्किप करके या कैसे भी करके, ठीक है। ये वही बताया गया है कि इसमें दोनों साथ में ये जो ज्ञान अवबोध सारे जो इसके हैं उससे संबंधित कितने क्वेश्चन कौन से प्रश्न के आएंगे, ठीक है। तो इनको दृष्टिगत रखते हुए ही पेपर का निर्माण किया जाता है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। यही है मुख्य आपका ब्लूप्रिंट। ये है आपका जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो जारी किया गया है। इसमें जो
ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ये शब्द सीमा जो आपके दी गई, यानी छोटे जो अति लघुतात्मक क्वेश्चन, आपको 10 शब्द तक उत्तर दे सकते हो, जबकि जो लघुतरात्मक फर्स्ट टाइप के थे उसमें 20 शब्द तक, और लघुतरात्मक सेकंड टाइप के उसके 60 शब्द तक आपको उत्तर देना है, और जो निबंधात्मक क्वेश्चन थे उसमें 200 शब्द तक आपको इसके आंसर देने हैं। फिर ये डिवाइडेशन भी दे दिया है, इंग्लिश में दिया है यहाँ पे, ऊपर हमने हिंदी वाला, और ये मॉडल पेपर हमने देखा है। अभी तक देखो 2019 का अपलोड नहीं हुआ, जैसे अपलोड होगा तो उसका भी आपके सामने रख दिया जाएगा। ये छोटे क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप किस तरीके से पेपर बना हुआ है, ये पार्ट दो है। यहाँ से ये देखिए ध्यान से किस टाइप से, ये देखो क्वेश्चन संख्या जो 15, यदि आप खानवा के युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास करते, इस टाइप से आपके बौद्धिक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे 14वां वैसे वर्तमान सिक्कों पर भी दिखाई देता है, तो ये भी वर्तमान समय से कंपेयर कि यूनानी सिक्कों की वे दो विशेषताएं बताई जो वर्तमान में भी सिक्कों पर दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, इसके आंसर भी पीछे आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से, और प्रश्नों के आंसर कैसे, और यहाँ भी देखो क्वेश्चन संख्या 20 भी है, वर्तमान समय में अशोक के धम्म की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए, यानी हर क्वेश्चन को आपको अधिकतर वर्तमान संदर्भ में आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको हर चीज़ के देखने को आपको मिलेंगे। इसके लिए मैंने जो मॉडल पेपर्स अपलोड कर रखे हैं उसमें भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं, बौद्धिक क्वेश्चन भी साथ में, तो आप उनका भी साथ साथ में अध्ययन करें। अब देखो खंड द है, द के अंदर ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए किस तरह का डिवाइडेशन है, ये अथवा में आएंगे, यानी दो में से आपको एक करना है। और ये आपका अगला 6ठा क्वेश्चन है, जो मानचित्र, यानी जो विभिन्न स्थल है उन स्थलों का आपको ध्यान होना चाहिए, वो कौन से राज्य में कहाँ पर स्थित है। अब ये है इसकी उत्तर तालिका, जो ऊपर हमने देखा उसका उत्तर आप देख लीजिए, इस टाइप से आपको उत्तर इसमें देने हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आंसर दिए गए हैं, इस तरीके से आपको इनके आंसर देने हैं। इनमें से आपको दो पूछे तो कोई दो लिखने थे, यहाँ इन्होंने 5 दे दिए, फिर लिख दिया कोष्ठक में कोई दो देना है क्वेश्चन संख्या 13 के। जैसे 15वां क्वेश्चन मैंने आपको बोधी किया, बाबर को तैयारी का अवसर नहीं देना, परंपरागत हथियारों का प्रयोग नहीं करना, हाथी पर सवार होने की भूल नहीं करना, और सेना में एकता व तालमेल को बढ़ाना, और अन्य अपेक्षित उत्तर आप इसमें दे सकते हो। तो इस तरीके से बोर्ड ने काफ़ी कुछ आपकी हेल्प भी कर दी है, ताकि आप इसके आंसर को देख करके आप किस टाइप से और क्या लिखना है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ भी देखो इन बड़े जो 4-4 नंबर के, क्योंकि इसमें मुख्य पॉइंट्स दिए हैं, तो इसको थोड़ा आपको शब्द सीमा के अंदर ध्यान रख के लिखना है। इनमें भी और बड़े वालों में सिर्फ पॉइंट दिए गए 4 और 6 नंबर वालों के, तो इसमें ये मुख्य पॉइंट्स के अलावा इनको दृष्टिगत रखते हुए भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका जो ब्लूप्रिंट था, इसको आप अच्छी तरीके से अवलोकन कर लीजिए, और उसी के आधार पर आपका इसका इसको जो ब्लूप्रिंट आपको अगर दोबारा देखना है, तो इसको मैं एक बार ले चलता हूँ वहाँ पे, ये
वापस आपका यहाँ पे आ चुका है। इससे संबंधित और भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में देख लें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।